कारवां टीवी हर पल आपके साथ। यूपी के बरेली में मॉब लिंचिंग का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक युवक को चोरी करते पकड़े जाने पर लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मामला दो समुदाय का होने की वजह से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर 5 थानों की पुलिस के साथ एसपी ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। पेड़ से बंधा हुआ ये वही शख्स है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ देर पहले तक इसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन अब इसकी मौत हो चुकी है। आंवला की सिंचाई विभाग की नलकूप कॉलोनी निवासी वासित अली पर आरोप है कि उसने नलकूप कार्यालय से कुछ लोहा चोरी किया है और वहां के चौकीदारों ने इसे चोरी का सामान ले जाते देख लिया, जिसके बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और वासित को नीम के पेड़ से बांधकर लोगों ने उसे खूब मारा पीटा और 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को चोरी की सूचना दे दी। वहीं इस मामले में मृतक की मां, मौसी और समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व चेयरमैन और स्थानीय सभासद का आरोप है कि बासित को लोगों ने पेड़ से बांधकर पीट पीट कर मार डाला। वहीं अगर पुलिस बासित को थाने ले जाने की जगह समय पर अस्पताल ले जाती तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही से उसकी जान चली गई। मेरा तस्लीम तस्लीमान। हाँ। क्या मामला हुआ? भैया मुझे अब नहीं पता क्या मामला, हमने तो इस बात की कुछ बहुत मार रहे हैं पेट। हाँ, मगर मेरे दो बच्चे दोनों डर के मारे बस हम गए नहीं लेकर के, बोले किसी ने जो कह दिया मार रहे हैं उसे। तुम जानते ही हो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मासूम ही इसे समझ लो, डरपोक कहते हैं कि बारह बंद हो गए। हाँ बेटा था मेरा। क्या नाम था? बासित। बासित। हाँ। क्या करते थे, कुछ करते थे काम? जी मजूरी करता था। फिर तुम्हारे सामने क्या घटना घटी वो अपनी बताइए, तुम्हारे साथ सामने जो भी बात हुई वो बताइए। अच्छा वो लेके आए तो मुझे बोले के दरोगा जी साहब 5,000 रुपया इससे मांग रहे। बोले हमने जी कही जी गरीब आदमी है और इसकी बीवी काम करती है और माँ भी राण है इसकी, तो बोले अच्छा, बोले तो तुम ऐसा करो हम नहीं ले जाएंगे और रिक्शे में बिठा रहो और इन्हें वहीं पहुंचाया। वो समर को पता है जो मोटे से थे वो उतरवा गए, उन्होंने नहीं हाथ लगाया। चौकी के आदमी आया था थाने? चौकी का एक भी नहीं, ना पुलिस वाले एक भी नहीं है, एक टिर्री वाले थे और एक तगड़े से थे। लड़का सा था? हाँ वो डठियारा बंदा हुआ बेटा, मैंने कुछ खास के बाद ये मतलब एक ही जने थे। हाँ रिक्शे में डाल के लाए, पैंट फटी हुई है इसकी, जो लोवर तो हमने पैंट फटी हुई है और उसके डंडे इतने मारे। दरोगा झूमो मत बोलो, डंडे मारे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भूरी बेगम। भूरी बेगम तुम्हारे कौन थे? मेरे देवर का लड़का था और मेरी बहन भी है ये। अच्छा अच्छा। हाँ आपके सामने क्या क्या वारदात हुई? मैं तो बाद में आई जब सुना है मैंने कि वो बासित को डाल गए, बासित को डाल गए। जब मैंने आके देखी तो उसकी हालत गंभीर थी, हालत सही नहीं थी, तो मैंने कौन लेके आया इसे कि वो टिर्री वाले और एक मोटा सा आदमी है वो लेके आया। तो मैंने कहा तुमने क्यों उतारने दिया, उतारने नहीं देती। फिर मैंने इनसे आई देखने, मैंने कि भैया FIR लिखवा दो, इसकी हालत बहुत गंभीर है। तो ये बोली हम FIR ना लिखवाएंगे, वो उल्टे चोर हमें बना देंगे कि हमारे। अब बताओ तुम्हें उल्टे चोर कैसे बना देंगे कि हम, तुमने नशे में था उसके तहत मोटर दे दी उसके हाथ में और प्लेट दे दी और उसे मारा पीटा बांध कर और थाने में दिया है। उन्होंने इसकी हालत देखी, उन्होंने जो बात है डरो मत। हाँ उन्होंने ऐसी हालत देखी, उन्होंने पहुंचा दिया, बोले इसको पहुंचाया इसके घर पे जहां उसके बाद ना। हाँ मारने पीटने की बात, उसके लीला साथ सब देखे बनियान उतार कर। सुनील भाई मामला ये था कि मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, थोड़ी देर के बाद में मेरा बेटा पहुंचा कि पापा बासित को लेकर आए। बासित को मैंने पूछा हुआ क्या, तो बोले बेटा थाने से कोई पहुंचाने आया उनको और उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है। तो मैं यहाँ दौड़ के आया तो मैंने देखा रक्से पे बैठा हुआ था वो, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, गर्दन टूटी पड़ी थी उसकी, इस तरीके से सीधी नहीं हो रही थी गर्दन उसकी। मैंने उसको उतरवा के रक्से से नीचे उतरवाया, उतरवा के घर में डिलवाया उसको। 5 मिनट के बाद में उसको ट्रीटमेंट की कोशिश आई, लेकिन जब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। हम लोग मामला ये हुआ था
इतनी बड़ी एक असेंबली लेके आए थे 3-4 किलो की लोहे की, वो ये दिखा रहे थे, दर्शाया गया उन्होंने कि ये चोरी करने के इरादे से नलकूप कॉलोनी में घुसा। तो जब मर गया तो दिखा रहे थे। हाँ, नलकूप कॉलोनी में चोरी करने के इरादे से घुसा, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती उसको पकड़ के पेड़ से बांध के 5-7 लोगों ने खूब बुरी तरीके से मारा पीटा उसको। मार पीट करने के बाद में पुलिस को बुलाया, पुलिस डायल 100 ने उसको थाने पहुँचाया और थाने से एक आदमी ने उसको मरा हुआ जान के यहाँ पहुँचा दिया घर हमारे। 10 मिनट के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। वैसे आप लोग क्या चाह रहे हो? हम लोग तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उसकी छोटी सी बच्ची, एक जवान बेटी है, एक छोटी बेटी है, एक बेट दो बेटे हैं उसके, छोटे छोटे 4-5 बच्चे हैं। हम लोग ये चाहते हैं उसको इंसाफ मिले, और हम कानून से और आप मीडिया वालों से यही प्रार्थना और अपना आश्वासन रखते हैं कि हम अच्छे से अच्छा इंसाफ मिलेगा, हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ। वहीं इस मामले में SP ग्रामीण डॉक्टर संसार सिंह का कहना है कि सुबह करीब 12 बजे बासित को नलकूप कार्यालय से वहां तैनात चौकीदार ने चोरी का सामान ले जाते हुए देख लिया, फिर शोर मचा दिया, जिससे स्थानीय लोग भी आ गए और बासित को पेड़ से बांधकर पीटा और 100 डायल पर फोन करके पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बासित अली को पकड़कर आंवला थाने ले आई, जहां दोनों पक्षों ने किसी भी तरह की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद घर वाले बासित को अपने साथ लेकर घर चले गए, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं उनका कहना है इस मामले में FIR दर्ज की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आज जो घटना हुई उसके बारे में बता दीजिए। अभी तक की जांच से ये बात सामने आई है कि बासित नाम के 32 साल के युवक है, जो नलकूप कॉलोनी है उसी के पास किला मोहल्ले में रहते हैं, तो ये शराब वगैरह का सेवन करते थे, सिगरेट वगैरह, और नशे की हालत में ये नलकूप कॉलोनी में गए और जो वहाँ पर उनके पंखे मोटर और इस तरह के जो पड़े रहते हैं उनमें से इन्होंने एक पंखा निकाला और एक प्लेट टाइप की निकाली, उसे लेकर वो चले गए। कॉलोनी के बाहर निकले तो कुछ लोगों ने शोर मचाया कि देखो ये चोरी का सामान ले जा रहा है। तो नलकूप कॉलोनी के 2 चौकीदार हैं, सुस्पिंदर और पातिराम, इन लोगों ने इसे पकड़ लिया और पकड़ के लाए, जिन लोगों ने बाहर शोर मचाया था पब्लिक के लिए वो भी आ गए और इन लोगों ने इसके साथ मारपीट करके ये लोग उसे थाने ले आए करीब 1:15 बजे। यहाँ पर बासित था, उसके मिलने वाले लोग आ गए और ये भी, क्योंकि नलकूप कॉलोनी और यहाँ का बासित रहने वाला वो अगल बगल है। नलकूप वालों ने कहा कि हमारा चोरी का सामान मिल गया है, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, ये हमारे पड़ोसी है। और इसी तरह से जो बासित के जो है मिलने वाले थे, उन्होंने कहा कि आक्रोश में जिसके साथ मारपीट होगी, हम भी कोई कार्रवाई नहीं चाहते और ये लोग जो चले गए यहाँ से। 2 बजे करीब इसे घर ले गए इसके मिलने वाले बासित के, और बताया जाता है कि 3-3:30 बजे करीब वहाँ मौत। जब वो थाने आया था तो कोई जहरा चोट नहीं थी, अभी भी उसको कोई जहरा चोट नहीं है, डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। मारपीट में कोई इस तरह की गुप्त चोट लगी है जो इनविजिबल है, पोस्टमार्टम कराकर ही पता चलेगा कि असली मौत का कारण क्या है। जिन लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जब पुलिस को पता था कि बासित को पेड़ से बांधकर पीटा गया है तो उसे थाने ले जाने की जगह अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन करीब 4 घंटे तक बासित थाने में ही तड़पता रहा और पुलिस ने उसे अस्पताल तक ले जाना जरूरी नहीं समझा, जिससे उसकी मौत हो गई। अगर पुलिस बासित अली को थाने की जगह अस्पताल ले जाती और उस वक्त उसका इलाज हो जाता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन औला पुलिस की लापरवाही की वजह से बासित अली की जान चली गई। कारवां TV के लिए बरेली औला से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट।
कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।